150 वर्ष बाद आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की अलौकिक घटना घटी। आज शाम आसमान में चांद सफेद की जगह लाल और नीला दिखाई दिया। मौका था सुपर ब्लू ब्लड मून का। 150 वर्ष बाद आज आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। इस नज़ारे को शहरवासियों ने जी भरकर देखा। शाम 5:18 से चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। शहर के खगोलविद दिव्य दर्शन पुरोहित ने इस नज़ारे को टेलीस्कोप के जरिए देखने का इंतजाम अपने घर पर किया। स्कूल के छात्र इस अद्भुत नज़ारे को देखकर रोमांचित हो उठे। चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा के दिन, कोई भी पूर्णिमा के दिन चंद्र, सूर्य और पृथ्वी अलाइन हो जाते हैं, डिसेंडिंग नोड या एसेंडिंग नोड, जिसको हम भारतीय भाषा में राहु और केतु कहते हैं, उसमें किसी एक नोड पर जब चंद्रमा आ जाते हैं तो चंद्र और पृथ्वी, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसकी परछाई जब चंद्रमा पर गिरती है तो हम उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। पृथ्वी की पूरी पूरी परछाई, पृथ्वी का कर्वेचर, पृथ्वी का स्ट्रेटोस्फीयर हम चंद्र ग्रहण के दौरान देख सकते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को आम जनता के लिए रखते हैं तो उसको वैज्ञानिक तरह से प्रूव करना भी आवश्यक है। अगर उसको प्रूव हम नहीं कर सकते तो गलत मानी जाएगी। अब जब हम सैटेलाइट एज में जी रहे हैं और हमारा वोयेजर एंड सूर्य सौर मंडल के उस पार चला गया है, हम आज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो ऐसे जमाने में अगर हम तक्यानुसी बातें करेंगे और अंधश्रद्धा में पीछे चले जाएंगे तो हमारा भारत जगतगुरु नहीं बन पाएगा, हम आगे नहीं आ पाएंगे। और हम करोड़ों भारतवासियों दूसरा अब्दुल कलाम पैदा करना चाहते हैं, दूसरा विक्रम साराभाई पैदा करना चाहते हैं, तो हमें एक छोटे बच्चे की तरीके से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में, उत्सुकता भरी दृष्टि से इसको निहारना चाहिए।